हेलो एंड वेलकम, मैं ईशा नेगी और आप मेरे साथ देख रहे हैं कमाल जिंदगी। मुंबई की एक चौल में जन्म लेने वाला लड़का आज बॉलीवुड का सुपरस्टार बन गया। जिसे कभी किताबें पढ़ना और फिल्में देखने का काफी शौक था, आज मानो उसके सिर पर अदाकारी करने का एक जुनून सा सवार हो गया हो। हम बात कर रहे हैं एक स्टंटमैन के बेटे और बहुत ही जल्द कामयाबी का आसमान छूने वाले बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल के बारे में। इनके बारे में और जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। मुंबई की एक चौल में जन्म लेने वाला लड़का आज बॉलीवुड का सुपरस्टार बन गया है। जिसे कभी किताबें पढ़ने और फिल्म देखने का शौक था, आज मानो उसके सर पर अदाकारी करने का एक जुनून सा सवार हो गया है। हम बात कर रहे हैं एक स्टंटमैन के बेटी और बहुत ही जल्दी कामयाबी का आसमान छूने वाले बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल। विक्की कौशल का जन्म 16 मई 1988 को महाराष्ट्र के मुंबई की एक चौल में हुआ था। ये एक ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। इनके पिता का नाम श्याम कौशल है, इनकी माता का नाम वीना कौशल जो एक गृहिणी है। इनके भाई का नाम सनी कौशल है जो इन्हीं की तरह एक अभिनेता है। दरअसल मूल रूप से इनका परिवार पंजाब के होशियारपुर का रहने वाला है और साल 1978 में इनके पिता पंजाब से मुंबई आए। बहुत मेहनत और लगन से इनके पिता बॉलीवुड के प्रसिद्ध एक्शन निर्देशक और जाने पहचाने स्टंटमैन बन गए। श्याम कौशल ने स्लमडॉग मिलेनियर, थ्री इडियट्स और बजरंगी भाईजान जैसी धमाकेदार फिल्मों में काम किया है। इनके भाई सनी कौशल अभिनेता होने के साथ साथ एक सहायक निर्देशक भी हैं, जिन्होंने माई फ्रेंड पिंटू एंड गुंडे जैसी फिल्मों के साथ काम किया है। इसके बाद इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा मुंबई के सेठ चुन्नीलाल दामोदर दास बर्फी वाला हाई स्कूल से पूरी की है। जब विक्की स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे तब वो ड्रामा, फैंसी ड्रेस और डांस प्रतियोगिता में भी भाग लिया करते थे। फिर इन्होंने मुंबई से राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीकम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। डिग्री लेने के बाद विक्की कौशल ने एक आईटी कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। हालांकि कुछ समय बाद जब उन्होंने महसूस किया कि नौकरी में उनका मन नहीं लग रहा है और अब उन्हें फिल्मों में अपना करियर बनाना चाहिए, तो नौकरी छोड़कर अपने पिता के साथ फिल्मों के सेट पर जाकर काम करने लगे। इसके बाद इन्होंने किशोर नामित कपूर की एकेडमी में एक्टिंग का कोर्स किया और सुपरहिट फिल्म गैंग्स ऑफ वसीपुर के दोनों पार्ट में अनुराग कश्यप के सहायक निर्देशक के रूप में काम किया। इससे उन्हें फिल्म मेकिंग की बारीकियां सीखने को मिली। इसके बाद साल 2012 में अनुराग कश्यप की फिल्म लव शव ते चिकन खुराना से इनके बॉलीवुड करियर की शुरुआत होती है। इस फिल्म में इन्होंने एक छोटी सी भूमिका निभाई। आगे चलकर इन्होंने साल 2013 में आई शॉर्ट फिल्म गीक आउट और साल 2015 में आई फिल्म बॉम्बे वेलवेट में छोटी छोटी भूमिकाएं निभाई। फिर साल 2015 में विक्की ने फिल्म मसान में काम किया, जिसमें उन्होंने निम्न जाति की एक ऐसी लड़की का किरदार निभाया जिसे ऊंची जाति की एक लड़की से प्यार हो जाता है। इनकी मसान फिल्म लोगों को बहुत पसंद आई और उनकी एक्टिंग की बहुत तारीफ की गई। साल 2016 में विक्की कौशल की दो फिल्में जुबान और रमन राघव 2.0 आई। रमन राघव 2.0 में नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुख्य भूमिका में थे, लेकिन फिर भी इस फिल्म में कौशल ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद साल 2018 में इन्होंने एक जासूसी थ्रिलर फिल्म राजी में काम किया और बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट के अपोजिट नजर आए। इस फिल्म में आलिया भट्ट ने एक भारतीय जासूस की भूमिका निभाई थी, जबकि विक्की कौशल ने एक पाकिस्तानी सेना अधिकारी की। ये फिल्म लोगों को बहुत अच्छी लगी और इसलिए उन्होंने दोनों के अभिनय की खूब प्रशंसा की। इसी साल इनकी एक और सुपरहिट फिल्म संजू रिलीज हुई, जो एक मशहूर बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त के जीवन पर आधारित थी। इस फिल्म में रणबीर कपूर ने संजय दत्त का किरदार निभाया, जबकि विक्की कौशल ने संजय दत्त के दोस्त कमली का किरदार निभाया था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट साबित हुई और फिल्म में रणबीर कपूर और विक्की कौशल दोनों की ही अभिनय की खूब तारीफ की गई। इस साल के आखिर में इनकी तीसरी फिल्म मनमर्जिया रिलीज हुई। ये एक लव ट्राइंगल पर बनी थी और इस फिल्म में कौशल के अलावा बॉलीवुड अभिनेत्री तापसी पन्नू और अभिनेता अभिषेक बच्चन भी नजर आए थे। साल 2019 विक्की कौशल के लिए लकी साबित हुआ, क्योंकि इस साल इनकी फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक रिलीज हुई। ये फिल्म भारत द्वारा पाकिस्तान पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक से प्रेरित थी। इसमें इन्होंने भारतीय सेना के एक ऑफिसर का किरदार निभाया था। ये फिल्म सुपर हिट साबित हुई और इसने खूब कमाई की। उन्होंने उरी के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। इस फिल्म के लिए उन्होंने 5 महीने तक मिलिट्री और मिक्स्ड मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली। दुर्भाग्यपूर्ण इस फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें चोट भी लग गई थी, लेकिन उनकी मेहनत रंग लाई। किस्मत की बात यह है कि इस फिल्म ने विक्की कौशल को बॉलीवुड और लोगों के बीच एक अलग पहचान दिलाई। फिर साल 2020 में इनकी फिल्म भूत पार्ट 1 द हॉन्टेड शिप रिलीज हुई। इनकी आने वाली फिल्मों में जरा हटके जरा बचके, द इमॉर्टल अश्वत्थामा, तख्त, सैम बहादुर और उधम सिंह शामिल है। इन्हें फिल्म मसान के लिए बेस्ट मेल डेब्यू की श्रेणी में जी सिनी अवार्ड और स्क्रीन अवार्ड से नवाजा गया। फिर संजू फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग रोल मेल की श्रेणी में इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न अवार्ड, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड और फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब अगर इनकी लव
लाइफ की बात करें तो बॉलीवुड की जानी मानी और मशहूर अभिनेत्रियों में से एक कैटरीना कैफ से इनकी शादी हो गई है। दोनों काफी दिनों तक रिलेशन में रहे, फिर 9 दिसंबर 2021 में राजस्थान में शादी के बंधन में बन गए। किशोर अवस्था के दौरान विक्की बहुत शर्मीले और काफी दुबले पतले व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे, मगर अब वो एक अच्छी सेहत के साथ बहुत दृढ़ और अटल विचारों वाले इंसान है। अपनी जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव देखने के बाद कई सालों तक संघर्ष और कड़ी मेहनत करने के बाद आज बॉलीवुड में इनका नाम जाने वाले अभिनेताओं में लिया जाता है। ये इतने मशहूर अभिनेता होने के बावजूद बहुत ही सरल और विनम्र स्वभाव के हैं। विक्की कौशल का कहना है कि एक दबाव होता है जो मुझ में से सर्वश्रेष्ठ काम निकालेगा। ये दबाव पाने के लिए मैंने हजार दरवाजे खटखटाए और ये मेरे लिए एक विशेष अधिकार है। ऐसी ही प्रेरणादायक कमाल वीडियोस के लिए देखते रहे कमाल जिंदगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।